नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं और आपको जो जीमेल होता है उसकी दो बेस्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। दोनों ही आपका समय बचाएंगी, आपका डेटा बचाएंगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को सेव भी आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये देख रहे हैं इतना ये इनबॉक्स में जो अनरीड मैसेजेस यहाँ पर हैं दोस्तों, और आपका ये जो डेटा जब भर जाता है, जो 15 GB डेटा आपको दिया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इतना ये भरा हुआ है। अब जैसे ही ये 15 GB भर जाता है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, आपको तो पता ही नहीं है कि किसने कब कैसे मेल किए, कौन से मेल किए, वो मेल कहाँ से आए। तो आपको यहाँ पर दोस्तों ये जो मैं आपको एक कमांड दे रहा हूँ, इस कमांड को आप लिख लीजिए। ये कमांड आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे ही आप इस कमांड को यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है एस अटैचमेंट लार्जर 10 MB। अब दोस्तों मैं इसको एंटर करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया दोस्तों, तो इसने किया क्या है कि इस पूरे इनबॉक्स में जितने भी ईमेल जो मेल आए हैं जिनका अटैचमेंट 10 MB से बड़ा है, वो सब यहाँ पर दे दिया है और यहाँ पर फिल्टर कर दिया है। मैं इसी तरीके से आपको ये 20 करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 20 MB हो गया है, अब 20 MB फिल्टर होकर आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं ये 20 MB से बड़े अटैचमेंट हैं। तो आपको करना क्या है, अब आप यहाँ से इनको सेलेक्ट करके जो है दोस्तों, इस तरीके से जाने के बाद यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कोड है और ये जीमेल ही प्रोवाइड करता है दोस्तों, जिसमें कि अटैचमेंट जो लार्जर होते हैं, आप यहाँ 5 MB भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इनको फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के बाद आप इनको डिलीट कर सकते हैं। एक और है दोस्तों, जो दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, आपको मल्टीपल आईडीज नहीं बनानी पड़ेंगी। और आपको करना क्या होगा, सबसे बेस्ट तरीका इसमें जो है, आप मान लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट से आप काम करते हैं, आप अलग अलग डिपार्टमेंट से कोई डेटा मंगाना चाहते हैं और उस डिपार्टमेंट को आप चाहते हैं कि हम अलग अलग आईडियाँ बनाएँ, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ जो आपकी मेन आईडी होती है उस आईडी में एक प्लस जोड़ देना है। मैं आपको दिखा देता हूं, आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, यहां पर नीचे कुछ यहां पर ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां क्लिक कर देता हूं, आप इसको ध्यान से पढ़िए हमने किया क्या है। हमने जो है दोस्तों यहां पर लिखा है विवेक 10 भारद्वाज, ये मेरी मेन आईडी है। मैंने लिख दिया है यहां पर plusbhopal@gmail.com। अब मान लीजिए मुझे इसी तरीके से कोई डेटा इंदौर से मंगाना है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपनी आईडी दूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर आईडी लिखी है और @ लिखने से पहले हमें, हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं, देखिए ये प्लस लिखा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इंदौर, ये मैंने इंदौर लिख दिया है और अब लिख देता हूँ मैं @gmail.com। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होगा, आप इंदौर को, इंदौर वालों को ये वाली आईडी भेजिए, भोपाल वालों को वो आईडी भेजिए, मुंबई भेज रहा है तो मुंबई वालों को प्लस मुंबई लिख के आईडी भेज दीजिए और आप उनको कहिए कि आप इनबॉक्स में इस मेल आईडी पर हमें मेल करेंगे। दोस्तों वो जब आपको मेल करेंगे तो आपके मेन आईडी पर ही सारे मेल आने वाले हैं, आपको अलग अलग आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग डेटा भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब इनबॉक्स में वह मेल आ जाएंगे तो आप सिमिलर इस आईडी को उठाकर जो है यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। आप जैसे ही यहाँ पर पेस्ट करेंगे दोस्तों, तो उस आईडी से संबंधित जितने आईडी से जो मेल आए होंगे, चाहे वो भोपाल से हों, इंदौर से हों, जो भी आप यहाँ पर फिल्टर करेंगे, वो सारे मेल आपको एक बार में यहाँ पर दिख जाएंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा तरीका है ये मैनेज करने का, सिंगल आईडी को अलग अलग ग्रुप्स में, डिपार्टमेंट्स में, जैसे भी आप अलग अलग जगह से डेटा मंगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो हमेशा अलग रहें और फिल्टर हो जाए, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको सिर्फ अपनी आईडी ख़त्म होने से पहले, @ से पहले प्लस लगाकर जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो दीजिए, आपकी आईडी वही रहेगी, इनबॉक्स वही रहेगा, बस ये नाम यूनिक हो जाएगा और इससे आप इसमें जो है फिल्टर लगा पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन जीमेल हमें देता है, ये दोनों ऑप्शन जो मैंने आपको बताए ये डेली वेज में भी आपको काम आ सकते हैं और आप रोज़ जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं और अपने काम को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।